तो मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक नहीं दिखाने वाली हूँ, इस ट्रिक को सब में कैसे अप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो फुल देखेगा, एंड तक देखेगा, मैं बीच में स्किप मत करें अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं 14 to 19 तक का टेबल ट्री। तो अब हम 14 का टेबल ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ 14 का टेबल ट्रिक सीखने के लिए पहले हमें क्या करना है। 14 का टेबल इस तरह से लिख लेना है, 4 ones are 2, 4 tens are तक। अभी हम क्या करेंगे, हमें लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने 14 के टेबल में क्या किया था, 1 to 10 तक का डिजिट लिखा था 13 के टेबल में। सेम ही ऐसे इसमें करना है, वैसे 14 के टेबल में नहीं 19 तक के टेबल में भी ऐसा ही करना है। अभी ये 14 का टेबल है तो हमें इसमें कौन सा टेबल लिखना है, 4 का टेबल। इसके लिए आपको 4 का टेबल आना चाहिए। 4 का टेबल मैंने इधर लिखा है, 4 ones are 4 twos are 8 4 threes are 12 4 fours are 16। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, 1 and 4, 14 ones are 14, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। अगर 2 digit है तो 14 twos are 28। अभी 14 threes में 3 प्लस हमें क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है, 3 plus 4 4 42। अभी 14 fours are 4 plus 1 5 56, 14 fours are 56, 14 fives are 5 plus 2 7, 14 fives are 70। इस तरह से हम करेंगे। 14 sixes are 6 plus 2 8, 14 sixes are 84। अभी है 14 sevens are 7 plus 2 9, 14 sevens are 98, 14 eights are 8 plus 3 क्या हुआ बोलिए, 11। अभी 14 nines are 9 plus 3 क्या हुआ आंसर, 12, 126। 14 tens are 0 plus 4 क्या होगा, 4 140, आंसर इज 440। देखा कितना सिंपल है ना। इसी तरह से आप 12 से 90 तक का टेबल में ऐसे सोच रहे होंगे कि इस टेबल ट्रिक के लिए क्या हम पूरा का पूरा टेबल लिखे, तो आपको सम के लिए पूरा टेबल लिखना ज़रूरी नहीं है। अभी इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे टेबल ट्रिक को, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये 14 fours are, तो अभी 14 fours are है तो इसके लिए हमें पूरा टेबल लिखना नहीं है 14 fours are का। हम क्या करेंगे, 14 fours are लिखेंगे, फिर उसको क्या करना है, अभी 14 fours are है तो 14 fours are में 4 का नंबर ऐसे ही लिखना है, 4 fours are में करना है तो 4। अभी 4 fours are क्या हुआ, 4 fours are 16, तो अभी हमें 16 लिखना है। अब 4 plus 1 को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा आंसर, 5 56। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। इस ट्रिक को ऐसे अप्लाई करना है, पूरा का पूरा टेबल लिखना नहीं है। अभी नेक्स्ट हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 14 nines are, तो अभी 14 nines are का हम कैसे करेंगे सम, मैं आपको बताती हूँ। सेम उसी तरह से हमें 14 nines are का लिखना है तो 9 हम इधर लिख लेंगे। अभी 4 nines are लिखना है, क्या लिखना है, 4 nines are, 4 nines are 36, तो अभी हम 36 लिखेंगे। ठीक है, 36। अभी हमें 9 और 3 को ऐड करना है, 9 और 3 को ऐड करके हमें क्या मिलेगा आंसर, 12 126। तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। एक कोई भी टेबल हो तो इस तरह से आप ट्रिक अपना सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा का पूरा टेबल लिखना ज़रूरी नहीं है। ये ट्रिक्स आपको किस लिए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि हम मैथ्स का रट्टा नहीं मार सकते। हम कोई भी सब्जेक्ट का रट्टा मार सकते हैं, लेकिन मैथ्स को रट्टा मार के नहीं सीखा जा सकता। उसको हमें कैलकुलेट और सारी ट्रिक अपना के सीखना पड़ता है, उसको माइंड से करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा है 13 sixes are, तो अभी इसको कैसे करेंगे आप करिए। तो 13 sixes are है तो हम क्या लेंगे, 6 का लेंगे,
और सिक्स के साथ 6 3 18, तो 6 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर 78। इस तरह से आप करना, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।